Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमारा पहला उदाहरण था कि दो पहरों का समूह, अर्थात क्या बन गया? दोपहर हो गया। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए, यहाँ क्या लिखा है? नौ रात्रियों का समूह या नौ रात्रियों का समाहार। तो इसमें रात्रि यानी रात की संख्या कितनी बताई गई है? नौ। तो हम क्या कह दिए हैं? नवरात्र। नवरात्र मतलब नौ रात्रियों का समूह। तो इस प्रकार के शब्दों में कौन सा हमारा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। फिर देखिए, सात दिनों का समूह या सात दिनों का समाहार, तो हम क्या बोल देंगे इसको? सप्ताह। यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सात दिन होते हैं। फिर देखिए, तीन रंगों का समूह या तीन रंगों का समाहार, तो ये हमारा क्या बन गया? तिरंगा बन गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो शब्द हैं उसमें कौन सा समास पाया जाता है? द्विगु समास होता है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट समास लिखा है द्वंद्व समास। क्या लिखा है? ये द्वंद्व समास है। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखा है, कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं, तथा विग्रह करने पर, विग्रह मतलब अलग करने पर, और अथवा या यह लगता हो, ये पहचान बताई जा रही है कि जब आप पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग करेंगे तो उसमें अलग करने पे और लगा होगा, या लगा होगा, या अथवा लगा होगा, तो वहाँ पे द्वंद समास कहला उसे कहते हैं, या वहाँ पर द्वंद समास पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, कि नदी और नाले, तो नदी नाले के बीच में यहाँ योजक के रूप में क्या लगा हुआ है? और लगा है। तो नदी और नाले कहिए, या आप क्या कहेंगे? नदी नाले। दूसरा देखिए, ऊंच या नीच, क्या बन गया? ऊंच नीच। आगे और पीछे, आगे पीछे। अब आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये योजक लगा है इसको हमने हटा दिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा हाइफन लगा दिया, इसको योजक चिन्ह हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, और ऐसे आम बोलचाल की भाषा में आप कहते होंगे कि डैश लगा दिया गया। तो डैश का मतलब निर्देश होता है, वो इस चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये हाइफन है, छोटा होता है, दो शब्दों के बीच में जोड़ने का काम किया जाता है। तो हमारा द्वंद समास की यही परिभाषा हो गई कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद ऐसा नहीं है कि केवल मात्र उत्तर पद प्रधान हो या पूर्व पद प्रधान हो, इसमें दोनों ही पद मेन होते हैं, और इसमें योजक यानी कि संयोजक जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लिंकिंग वर्ब कहते होंगे, उसका यूज किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें अधिकतर समानार्थी शब्द आते हैं या विलोम के शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे ये पांच प्रकार का ये जो है समास हो गया है, छठा समास जो है हम आपको बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब कैसे हैं? मैं अंजु तिवारी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की पाठशाला लेके उपस्थित हैं आपके सामने, और जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको समास बताया था, और समास के तीन टाइप्स पे, तीन प्रकारों पे चर्चा हो चुकी थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था अव्ययी भाव समास बताया था, दूसरा हमने आपको बताया था तत्पुरुष समास बताया था, और तीसरा कर्मधारय बता दिए थे। आज हम इन तीन समास के अलावा तीन जो हमारे शेष बचते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टेंथ क्लास बच्चों देखिए, सामने डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ एग्जांपल है, उसके जरिए हम आपको समझाएंगे। देखिए, हमारा जो चौथा समास है वो कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु है ना, द्विगु मतलब जो है ये समास, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसको पहचानने का एक सीधा और सरल सा उपाय है कि जहाँ कहीं गिनती यानी काउंटिंग या संख्यावाची शब्द होंगे वहाँ पे समास का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है, कि जिस समस्त पद का, समस्त पद यानी समस्त मतलब सभी यानी पूरे का, समस्त पद का पूर्व पद, पूर्व पद हमें आपको कल बताया था कि पहला पद होता है, दो प्रकार के पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है, तो पूर्व पद की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी पहले वाला पद, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। विशेषण हमने आपको बताया था कर्मधारय समास में, विशेषण वही नॉर्मल सी चीज है जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो यहाँ पे विशेषण के पहले क्या लिखा है? संख्यावाचक, यानी जहाँ कहीं पे गिनती आए, संख्या आए, काउंटिंग आए, तो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी बिल्कुल सीधी सी बात इसमें कि जहाँ कहीं संख्यावाची शब्द होंगे वहाँ पे द्विगु समास का प्रयोग किया जाता है, और इसमें समूह का ज्ञान होता है। समूह या समाहार कह सकते हैं, जहाँ कहीं ग्रुपिंग होगी
वहाँ पे द्विगु समास होता है। अब देखिए बच्चों क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे कि दो पहरों का समूह, यानी कि जो दो पहर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दो पहर, यानी इसमें पहर की कॉन्टिटी दो है। और